ओके, आई एम गोइंग टू शेयर द स्क्रीन, दिस इज द स्क्रीन, दिस इज माई एंटायर स्क्रीन. ओके, यस, इज स्क्रीन विजिबल मयूरी? ओके, नाउ आई एम गोइंग टू शेयर द टुडे स्लाइड्स एंड प्रेजेंटेशन. सो दिस इज द प्रेजेंटेशन, राइट? यस, सो दिस इज माई टाइटल स्लाइड. इज टाइटल स्लाइड विजिबल मयूरी? वॉइस ठीक है? ओके, नाउ यू कैन स्विच ऑफ योर माइक. आई एम गोइंग टू स्टार्ट द लेक्चर नंबर 6 एंड दिस इज द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सेमेस्टर रिलेटेड टू द सॉलिड स्टेट फिजिक्स. ओके, और इसके बाद तुम्हारा इस मंथ के एंड पे नया सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा. सो दिस इज अवर लास्ट लेक्चर. सो दिस इज अवर लेक्चर नंबर 6, यूनिट नंबर 2, सॉलिड स्टेट फिजिक्स, एंड टुडेज डेट इज 1 सितंबर 2021. ओके, जस्ट आई एम रिकॉलिंग द लास्ट लेक्चर. इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन द डिफरेंट एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ सॉलिड्स, एंड वी हैव सीन दीज देयर आर 4 मेन इंपॉर्टेंट एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स टू डिटरमाइन द स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड और स्ट्रक्चर ऑफ द क्रिस्टलाइन सॉलिड. सो विच आर दे? लायर्स मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ऑसिलेशन एंड बर्जर प्रिसेशन मेथड, एंड पाउडर फोटोग्राफ मेथड. एंड आउट ऑफ दैट 4 मेथड्स, 2 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 3 मेथड्स आर वेरी इंपॉर्टेंट, 1 इज लायर्स, रोटेटिंग एंड पाउडर फोटोग्राफ मेथड. ओके, एंड इन लास्ट लेक्चर वी हैव सीन लायर्स मेथड टू डिटरमाइन द क्रिस्टल स्ट्रक्चर ऑफ द सॉलिड्स. ओके, एंड एज पर एज दीज मेथड्स आर कंसर्न, सो ऑल दीज मेथड्स फॉलोज ब्रैग्स लॉ, बिकॉज ब्रैग्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, इफ यू वॉन्ट टू डिफ्रैक्ट द एक्सरेज बाय द क्रिस्टल, सो क्रिस्टल शुड फॉलो द ब्रैग्स लॉ, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू एन लैमडा, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, कोई भी डिफ्रैक्शन की कंडीशन ही है, एक्सरे डिफ्रैक्ट तब होगी जब ब्रैग्स लॉ फॉलो करेगा. इसका मतलब ये है कि एक्सरे डिफ्रैक्शन की कंडीशन ही ब्रैग्स लॉ है. ओके, टू हैपन द एक्सरे डिफ्रैक्शन और टू एग्जिस्ट द डिफ्रैक्शन फिनोमिना ऑफ एक्सरे, देयर शुड बी द वन कंडीशन, एंड दैट कंडीशन इज ब्रैग्स लॉ. सो ब्रैग्स लॉ इज वेरी इंपॉर्टेंट. एक्सरे तभी डिफ्रैक्ट होगी जब ब्रैग्स लॉ फॉलो होगा. ब्रैग्स लॉ फॉलो नहीं होगा, एक्सरे डिफ्रैक्ट नहीं होगी. ओके, सो व्हाट इज ब्रैग्स लॉ? 2D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा, डी इज इंटरप्लेनर स्पेसिंग, बार बार बता रहा हूं, थीटा है ग्लांसिंग एंगल, लैम्डा इज वेवलेंथ ऑफ एक्सरे, एन इज द ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, एन इज इक्वल टू 1 मीन्स फर्स्ट ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन, मतलब फर्स्ट सेट ऑफ लेंस से रिफ्लेक्ट हुआ, एन इज इक्वल टू 2 मीन्स सेकेंड सेट ऑफ लेंस से रिफ्लेक्ट हुआ, सेकेंड ऑर्डर ऑफ रिफ्लेक्शन अंदर के प्लेन से, और अंदर जाएगा तो थर्ड ऑर्डर, तीसरे सेट ऑफ प्लेन से रिफ्लेक्ट हुआ या डिफ्रैक्ट हुआ. ओके, सो मैंने लास्ट लेक्चर में आई हैव कोटेड वन टेबल. इन दैट टेबल, ओके, आई हैव टोल्ड यू दैट इन लैब्स मेथड वी यूज टू कीप द थीटा फिक्स एंड वील वैरी द वेवलेंथ. सो वी हैव यूज कंटिन्यूअस एक्सरेज इन लैब्स मेथड. कंटिन्यूअस एक्सरेज मतलब एक्सरे का एक पर्टिकुलर रेंज लिया था, 0.6 एंगस्ट्रॉम से लेके 1.2 एंगस्ट्रॉम का एक रेंज लिया था, मतलब कंटिन्यूअस एक्सरे लिया था हमने लैब्स मेथड में. बट अदर देन लैब्स मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड या ऑसिलेशन मेथड हो या फिर पाउडर डिफ्रैक्शन मेथड हो, उसमें थीटा को वैरी करेंगे, वेवलेंथ को फिक्स करेंगे. मतलब फिक्स मतलब एक ही वेवलेंथ यूज करेंगे एक्सरे की, मीन्स सिंगल वेवलेंथ यूज करेंगे एक्सरे की. इट मींस दैट वी विल यूज मोनोक्रोमेटिक एक्सरे. मोनोक्रोमेटिक एक्सरे मतलब सिंगल वेवलेंथ. जिस एक्सरे का एक ही सिंगल वेवलेंथ होगा उसको बोलेंगे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, मींस फिक्स वेवलेंथ वाली एक्सरे. फिक्स वेवलेंथ वाली एक्सरे मतलब मोनोक्रोमेटिक एक्सरे. सो ये जो बाकी जो 3 मेथड दिख रहे हैं ना, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, ऑसिलेशन मेथड या पाउडर फोटोग्राफ मेथड, इसमें हम वेवलेंथ की एक ही एक्सरे की एक ही वेवलेंथ यूज करेंगे, फिक्स वेवलेंथ यूज करेंगे. और वैरी क्या करेंगे? वैरी करेंगे उसका एंगल, थीटा, ग्लांसिंग एंगल वैरी करेंगे. कैसे वैरी करेंगे? रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में ग्लांसिंग एंगल क्रिस्टल को रोटेट करेंगे. क्रिस्टल को रोटेट करेंगे तो एक्सरे जो क्रिस्टल के प्लेन के ऊपर पड़ रही है वो अलग अलग एंगल से पड़ेगी. अलग अलग एंगल से पड़ेगी मतलब थीटा वैरी करेंगे आखिरी 3 मेथड में, और वेवलेंथ को फिक्स रखेंगे.
ओके, लायोज मेथड में उल्टा, लायोज मेथड में थीटा को फिक्स रखा था, वेवलेंथ को वैरी किया था क्योंकि हमने वहां कंटिन्यूअस एक्सरेज यूज की थी, यहां हम मोनोक्रोमेटिक एक्सरे यूज करेंगे, इतना डिफरेंस है। और एक डिफरेंस है, इसमें थीटा को वेरी करेंगे, ठीक है, बाय रोटेशन ऑफ द क्रिस्टल। वहां हमने थीटा को फिक्स रखा था लायोज मेथड में, एक ही डायरेक्शन, एक क्रिस्टल की पोजीशन को फिक्स रखी थी, कोई रोटेशन नहीं। ओके, तो अब देखेंगे लायोज, अब देखेंगे कि रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड व्हाट इज द कंस्ट्रक्शन एंड व्हिच अपैरेटस आर यूज्ड टू प्लेस दिस रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। ओके, सो वी नाउ वी विल सी द रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड एंड वी फर्स्ट ऑफ ऑल वील सी द कंस्ट्रक्शन के एक्चुअली किस तरीके का अरेंजमेंट होता है, व्हाट इज द अपैरेटस अरेंजमेंट इन रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, वी विल सी दैट। रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का वर्ड में ही मीनिंग छिपा हुआ है, क्रिस्टल को रोटेट करना। अब रोटेट करने के लिए क्या लगेगा क्रिस्टल को, भाई कोई रोटर लगाओगे ना, किसी चीज को रोटेट करना है, क्या करते हो तुम, मोटर लगाते हो, राइट। अगर किसी ऑब्जेक्ट को रोटेट करना है, उसके नीचे मोटर लगा दोगे, मोटर घूमेगी तो ऑब्जेक्ट भी घूमेगा। उसी तरीके से अगर क्रिस्टल को रोटेट करना है, तो क्रिस्टल को एक स्टैंड के ऊपर रखोगे और स्टैंड को एक मोटर के ऊपर रखोगे, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड रोटर। रोटर, रोटर मतलब ऐसी मशीन जो क्रिस्टल को रोटेट करती है। ओके, अब लास्ट लेक्चर में जब मैंने लायोज मेथड के बारे में बताया था, तब मैंने बताया था कि क्रिस्टल से एक्सरे तो डिफ्रैक्ट हो रही है। ओके, तो क्रिस्टल से एक्सरे तो डिफ्रैक्ट हो रही है, लेकिन एक्सरे जो डिफ्रैक्टेड रेज है उसको कलेक्ट कहां पर कर रहे थे तुम, फोटोग्राफिक फिल्म में। एक फोटोग्राफिक फिल्म सामने लगाई थी, एक फोटोग्राफिक फिल्म पीछे लगाई थी। पीछे किस लिए लगाई थी, बैक रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। आगे क्यों लगाई थी, फॉरवर्ड रिफ्लेक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए। तो यहां पे भी हम क्या करेंगे, फोटो जिस रोटेटिंग क्रिस्टल को ऐसे रखेंगे तो उसकी जो डिफ्रैक्शन पैटर्न, उस पर एक्सरे पड़ेगी क्रिस्टल के ऊपर और एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी, और उस डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए मैं एक सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म लगाऊंगा। तो ये देखो रिक्वायरमेंट क्या क्या रहेगी रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में। एक सिंगल क्रिस्टल चाहिए रहेगा तुम्हें। सिंगल क्रिस्टल क्या होता है, लास्ट लेक्चर में बताया था, ये फिर से मैं रिपीट नहीं करूंगा इस लेक्चर में। सो व्हाट आर द रिक्वायरमेंट फॉर दिस मेथड, वन इज सिंगल क्रिस्टल, और सिंगल क्रिस्टल का डायमेंशन कितना होना चाहिए, 1 by 1 by 1 मींस 1 meter, 1 millimeter चौड़ा, 1 millimeter लंबा और 1 millimeter उसकी हाइट होनी चाहिए, चौड़ाई लंबाई और हाइट 1 millimeter। ओके, सो सिंगल क्रिस्टल का डायमेंशन क्या हो गया, 1 by 1 by 1, 1 mm by 1 mm by 1 mm। ओके, विड्थ, हाइट, लेंथ, विड्थ और हाइट 1 by 1 by 1। ओके, ये पहली रिक्वायरमेंट है रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड के लिए। एंड व्हाट इज द सेकंड रिक्वायरमेंट, सेकंड रिक्वायरमेंट इज मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, मतलब तुम्हारी जो एक्सरे आएगी उसकी सिर्फ फिक्स्ड वेवलेंथ होनी चाहिए, एक ही वेवलेंथ। जैसे लायोज मेथड में मैंने 0.6 एंगस्ट्रॉम से 1.2 एंगस्ट्रॉम की एक रेंज लिया था वेवलेंथ की, रेंज नहीं चाहिए। अगर मैं बोलूंगा सिर्फ 0.6 वाली ले लो या 1.2 वाली ले लो, कोई भी एक वैल्यू ले लो, एक फिक्स्ड वैल्यू लो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, इसी को बोलते हैं फिक्स्ड वेवलेंथ वाली एक्सरे, एक ही वैल्यू होनी चाहिए एक्सरे की वेवलेंथ की। वो कैसे करेंगे, वेरी सिंपल, अगर तुमको अभी एक्सरे, तो कोई भी एक्सरे ले लो उसकी वेवलेंथ वैरी करती है, एक रेंज होती है उसकी वेवलेंथ की। जब हम एक्सरे की डेफिनेशन पढ़ते हैं तो क्या बोलते हैं, तुमने बीएससी में पढ़ी होगी, एक्सरेज आर द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स, एक्सरेज आर जस्ट लाइक अ लाइट वेव्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स विच इज हैविंग द वेवलेंथ फ्रॉम 0.1 to 100 एंगस्ट्रॉम। सो 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के बीच की विच की वेवलेंथ होती है, तो एक्सरे के वेवलेंथ की रेंज होती है। अब मुझे 100 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ नहीं चाहिए, सिर्फ 0.1 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ रहे, तो एक फिल्टर लगाते हैं एक्सरे को, कंटिन्यूअस एक्सरे को मोनोक्रोमेटिक बनाने के लिए हम क्या लगाते हैं, फिल्टर लगाते हैं। तो फिल्टर लगाने के बाद क्या होता है, जो वेवलेंथ चाहिए वो वेवलेंथ तुमको मिल जाए। अगर मुझे चाहिए 1.5 एंगस्ट्रॉम की एक्सरे चाहिए मुझे, मैं क्या करूंगा, अब एक्सरे में तो बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं, जो एक्सरे सोर्स में से निकल के आ रही है, एक्सरे ट्यूब किस लिए यूज होता है, एक्सरे बनाने के लिए, एक्सरे ट्यूब में एक्सरे का प्रोडक्शन होता है। अब एक्सरे ट्यूब से जब एक्सरे निकलती है तो उस एक्सरेज में बहुत सारे वेवलेंथ्स होते हैं, अब मुझे एक ही वेवलेंथ चाहिए, 1.5 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ चाहिए।
तो मैं क्या करूंगा, एक फिल्टर लगा दूंगा, और उस फिल्टर का रेंज के उस फिल्टर की उस फिल्टर, वो फिल्टर क्या करेगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को पास करेगा, बाकियों को ब्लॉक कर देगा, बाकियों को ब्लॉक कर देगा। सिंपल एग्जांपल देता हूं, ठीक है, वाटर को जब हम फिल्टर करते हैं, अगर वाटर में सॉल्ट है या कंटेंट है या फिर थोड़ा कचरा है, तो वाटर को फिल्टर करने के लिए हम मेम्ब्रेन यूज करते हैं, ठीक है। जब वाटर को फिल्टर करते हैं तो वाटर नीचे जाए और जो कचरा है ऊपर अटक जाता है, तो इसका मतलब कचरे को ब्लॉक करता है, क्योंकि उस फिल्टर में जो उसके होल्स होते हैं, उस होल से बड़ा होता है कचरे का साइज, ओके, उस होल से बड़ा होता है डस्ट पार्टिकल का साइज, तो डस्ट पार्टिकल ऊपर रह जाता है और वाटर नीचे नीचे निकल जाता है। उसी तरीके से अगर एक्सरे में बहुत सारे वेवलेंथ्स हैं और हमको एक ही वेवलेंथ चाहिए, एक्सरे में मान लो ये एक्सरे निकल रही है एक्सरे ट्यूब से, उसमें बहुत सारे वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, 0.1 से 100 एंगस्ट्रॉम के वेवलेंथ्स प्रेजेंट है, अब मुझे सिर्फ चाहिए 1.5 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ चाहिए, सिर्फ 1.5, तो मैं क्या करूंगा, एक फिल्टर लगा दूंगा। कौन सा फिल्टर लगाऊंगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम वाली वेवलेंथ का फिल्टर लगाऊंगा, वो किसी भी मटेरियल से बना हो सकता है, कॉपर से भी बना हो सकता है, तो कॉपर का एक फिल्टर लगा दूंगा जो क्या करेगा, 1.5 एंगस्ट्रॉम की वेवलेंथ को पास करेगा, बाकियों को ब्लॉक करेगा। समझ में आया? तो अगर मुझे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे चाहिए, सिंगल वेवलेंथ वाली एक्सरे चाहिए, तो मैं फिल्टर लगाता हूं, एंड दैट फिल्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट। फिल्टर क्या करता है, बहुत सारी वेवलेंथ को ब्लॉक करता है, और एक सिंगल वेवलेंथ, जिस वेवलेंथ का फिल्टर लगाओगे वही वेवलेंथ को पास करेगा, बाकियों को ब्लॉक करेगा। तो यहां पर हम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड में मोनोक्रोमेटिक एक्सरे चाहिए मुझे, फिक्स्ड वेवलेंथ की एक्सरे चाहिए, इसलिए मैं जो सोर्स में से एक्सरे निकलेगी उसके सामने फिल्टर लगा दूंगा, और फिल्टर से जो पास होगी एक्सरे वो मोनोक्रोमेटिक रहेगी, वो सिंगल वेवलेंथ की रहेगी। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट कंडीशन। सो ये दो इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट है, एक सिंगल क्रिस्टल और मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। ओके, सो लैब्स मेथड में मैंने क्या किया था, लैब्स मेथड में मैंने बताया था कि एक्सरे, व्हेन एक्सरेज आर इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, ओके, एंड दैट क्रिस्टल विल डिफ्रैक्ट द एक्सरे, ओके, एंड टू कलेक्ट दैट डिफ्रैक्टेड एक्सरे वी यूज टू फोटोग्राफिक फिल्म्स, क्योंकि फोटोग्राफिक फिल्म हम यूज इसलिए करते हैं कि डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिकॉर्ड कर सके। क्यों? फोटोग्राफिक फिल्म कैसे बनी होती है, फोटोग्राफिक फिल्म कैसे बनती है, एक ग्लास की पतली प्लेट लो, उसके ऊपर सिल्वर का पॉलिश कर दो, तो उसको उससे बनती है फोटोग्राफिक प्लेट या फोटोग्राफिक फिल्म। फिल्म और प्लेट में क्या फर्क है, प्लेट की थिकनेस ज्यादा होती है, फिल्म की थिकनेस माइक्रोन में होती है। ओके, सो इसके पहले भी तुमने बीएससी में फोटोग्राफिक प्लेट, फोटोग्राफिक फिल्म, फिल्म ये दुनिया भर के वर्ड सुने होंगे, लेकिन एक्चुअली फोटोग्राफिक प्लेट बोलते किसको है, एक ग्लास प्लेट लो, ले लो, उसको सिल्वर की कोटिंग कर दो, तो वो बन जाती है फोटोग्राफिक प्लेट। फोटोग्राफिक प्लेट क्यों बोलते हैं या फोटोग्राफिक फिल्म क्यों बोलते हैं, क्योंकि फोटो मतलब इट इज लाइट सेंसिटिव, उसके ऊपर लाइट पड़ता है तो वो लाइट सेंसिटिव होती है, वहां पे स्पॉट्स आते हैं, वहां पे पैटर्न जनरेट होते हैं, वहां पे स्पॉट्स जनरेट होते हैं, इसलिए उसको बोलते हैं फोटोग्राफिक, मतलब लाइट सेंसिटिव फिल्म। अब लाइट सेंसिटिव फोटोग्राफिक में एक्सरे का क्या रोल है, एक्सरे भी फोटॉन्स है, एक्सरे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है, एक्सरे इज बिहेविंग लाइक अ लाइट वेव्स, तो एक्सरे भी क्या है, फोटॉन्स है, इसलिए वो फोटॉन्स, एक्सरे वाले फोटॉन्स जब फोटोग्राफिक फिल्म पे पड़ेंगे तो वहां पे स्पॉट्स आएंगे, वहां पे पैटर्न्स डेवलप होंगे, इसलिए हम फोटोग्राफिक फिल्म का यूज करते हैं डिफ्रैक्शन पैटर्न को रिकॉर्ड करने के लिए, ये याद रखना है। ओके, और फोटोग्राफिक फिल्म क्या होती है, फोटोग्राफिक प्लेट क्या होती है, ये मैंने शॉर्ट में समझा है। तो अब देखेंगे कंस्ट्रक्शन, रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का कंस्ट्रक्शन कैसे होता है और किस तरीके का वर्किंग होता है, ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड का कंस्ट्रक्शन, तो सबसे पहले जो होता है ये याद रखना है तुमको, 2D साइन थीटा लैम्डा एन लैम्डा, ये ब्रैग्स लॉ है, ये ब्रैग्स कंडीशन है, इसी कंडीशन पे एक्सरे का डिफ्रैक्शन होता है। तो जितने भी हम एक्सरे डिफ्रैक्शन टेक्निक्स पढ़ेंगे यू हैव टू रिमेंबर दिस ब्रैग्स लॉ, बिकॉज द कंडीशन फॉर एक्सरे डिफ्रैक्शन इज नथिंग बट द ब्रैग्स लॉ, 2D साइन थीटा इज इक्वल टू लैम्डा। सो जस्ट आई एम टेलिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। सो दिस इज द सिलेंडर, दिस इज द सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म और सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म, तो जो फोटोग्राफिक फिल्म है वो सिलेंडर की शेप में मैंने यहां रखा है। क्यों?
क्योंकि सिलेंडर के अंदर मैं क्रिस्टल रखूंगा और जैसे ही एक्सरे क्रिस्टल के ऊपर पड़ेंगे वो किसी भी डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो सकती है। तो कितने भी डायरेक्शन में डिफ्रैक्ट हो तो ये सिलेंडर के जो वॉल्स के ऊपर एक्सरे के पैटर्न बनेंगे, सिलेंडर के वॉल्स के ऊपर। ये थ्री डायमेंशनल फिगर है, सिलेंडर इज थ्री डायमेंशनल ऑब्जेक्ट। ओके, और मैं जो फोटोग्राफिक फिल्म है ये सिलेंडर की शेप में इसलिए ले रहा हूं क्योंकि इसके अंदर जितने भी डिफ्रैक्शन के डायरेक्शन कितने भी हो, 360 डिग्री से डिफ्रैक्शन हो रहा है कोई भी, तो ये सारे के सारा डिफ्रैक्शन पैटर्न कहां पे रिकॉर्ड होगा? सिलेंडर के वॉल के ऊपर। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसलिए मैंने यहां पर सिलेंडर लिया। तो किसी भी डायरेक्शन में एक्सरे डिफ्रैक्ट हो उससे मुझे लेना देना नहीं है, किसी भी एंगल से एक्सरे डिफ्रैक्ट हो वो किस पे पड़ेगी? सिलेंडर के वॉल्स पे ही पड़ेगी। और सिलेंडर की वॉल मतलब वहां पे फोटोग्राफिक फिल्म लगी हुई है, तो सिलेंडर मतलब फोटोग्राफिक फिल्म सिलेंड्रिकल शेप में। तो ये हो गया फोटोग्राफिक फिल्म इन द शेप ऑफ सिलेंडर, सिलेंड्रिकल शेप की। ओके, ये है फोटोग्राफिक फिल्म सिलेंड्रिकल शेप की। अब मैं क्या करूंगा, ये है स्टैंड और ये जो नीचे दिख रहा है सर्कल दैट इज रोटर। तो ये रोटर पे क्या है, मोटर फिक्स है, तो ये रोटेट करेगा। रोटेट करने के कारण ये स्टैंड भी रोटेट करेगा और स्टैंड के ऊपर क्या है, सिंगल क्रिस्टल। ओके, तो ये है सिंगल क्रिस्टल। ओके, ये है स्टैंड और ये है रोटर। सो दिस इज द रोटर, दिस इज द स्टैंड एंड दिस इज द सिंगल क्रिस्टल। तो ये रोटर के साथ क्या है, मोटर अटैच है। तो ये रोटर जब किसी एंगल से घूमेगा तो स्टैंड भी घूमेगा, स्टैंड घूमेगा तो स्टैंड के ऊपर क्या रखा है, क्रिस्टल, दैट क्रिस्टल विल ऑल्सो रोटेट। ओके, और यहां पे जो मैंने ये परपेंडिकुलर डॉटेड लाइन डैश वाली लाइन बनाई है दैट इज द रोटेशन एक्सिस। तो रोटेशन किस एंगल में होगा, ऐसे। ओके, दिस इज द रोटेशन। तो ये जो एरो दिखा रहा है दैट इज रोटेशन, रोटेशन ऐसे हो रहा है, ठीक है, ऐसे हो रहा है रोटेशन एंटी क्लॉक वाइज डायरेक्शन में, ऐसे, ठीक है। सो दिस इज द रोटेशन एक्सिस। तो ये क्रिस्टल के बीच का जो ये पूरा का पूरा एक्सिस है दिस इज कॉल्ड रोटेशन एक्सिस, और इसी एक्सिस के अलोंग क्रिस्टल रोटेट होगा। ओके, तो क्रिस्टल रोटेट होगा ऐसे, देखो मेरे उंगली की तरफ देखो, इस तरीके से क्रिस्टल रोटेट होगा। तो रोटेट कौन करेगा, रोटर। इस रोटर के साथ मोटर अटैच्ड है, ये स्टैंड है और ये स्टैंड के ऊपर क्रिस्टल है और ये है रोटेशन एक्सिस। तो अलोंग दिस एक्सिस क्रिस्टल विल रोटेट, मोटर स्टार्ट करेंगे क्रिस्टल रोटेट होगा, ठीक है। तो ये क्रिस्टल है, तो इस तरीके का अरेंजमेंट होता है। सिंगल क्रिस्टल को स्टैंड के ऊपर रखते हैं, स्टैंड को रोटर के ऊपर रखते हैं, रोटर में मोटर अटैच होता है, रोटर घूमेगा, स्टैंड घूमेगा, स्टैंड घूमेगा तो क्रिस्टल घूमेगा। ओके, और अलोंग दिस एक्सिस, दिस इज रोटेशन एक्सिस। अब एक्सरे यहां पे क्या है, यहां एक होल है, यहां स्लिट है, यहां से एक्सरे आएगी, इसलिए यहां पे एक गैप छोड़ा है, यहां से एक्सरे आएगी। सो ये एक्सरे आ रही है एक्सरे सोर्स से सपोज, तो ये एक्सरे जो निकल के आएगी, दिस एक्सरेज आर जनरेटेड फ्रॉम एक्सरे ट्यूब, एक्सरे ट्यूब से जनरेट हो रही है, बट दिस एक्सरे कंटेन्स मेनी वेवलेंथ्स, व रेंज ऑफ वेवलेंथ। ओके, इस रेंज ऑफ वेवलेंथ मुझे सिर्फ एक ही वेवलेंथ चाहिए, फिक्स्ड वेवलेंथ चाहिए, तो मैं क्या करूंगा, फिल्टर लगाऊंगा। तो ये फिल्टर लगा दिया। सो दिस एक्सरेज आर कमिंग फ्रॉम व्हाट, वेयर दिस एक्सरेज आर कमिंग फ्रॉम एक्सरे ट्यूब। ओके, तो एक्सरे ट्यूब से डायरेक्ट एक्सरेज आ रही है। ओके, तो लेकिन ये एक्सरेज में क्या रहेगा, बहुत सारे वेवलेंथ रहेंगे, दिस इज नॉट अ मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, दिस इज अ कंटिन्यूअस एक्सरे और इसमें बहुत सारे वेवलेंथ रहेंगे। देन इफ आई वॉन्ट टू कन्वर्ट दिस कंटिन्यूअस एक्सरे इन टू मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, सो आई हैव टू पुट द फिल्टर हियर, आई हैव टू पुट द फिल्टर हियर, सो यूजिंग दैट फिल्टर आई विल कन्वर्ट दिस कंटिन्यूअस एक्सरे टू मोनोक्रोमेटिक एक्सरे। माइक किसका ऑन है, उस वो माइक ऑफ करें। ओके, मेरी आवाज क्लियर है, ठीक है, फिर से बता रहा हूं, किसी ने माइक ऑन करके डिस्टर्ब किया। ओके, सो दिस इज सिलेंड्रिकल फिल्म, दिस इज सिंगल क्रिस्टल, दिस इज रोटेशन एक्सिस, स्टैंड एंड रोटर, यहां तक बताया। एंड दिस एक्सरेज आर कमिंग फ्रॉम वेयर, एक्सरे ट्यूब। तो एक्सरे ट्यूब से डायरेक्ट जब एक्सरे आती है तो उसमें बहुत सारे वेवलेंथ होते हैं, रेंज ऑफ वेवलेंथ होते हैं, बट आई वॉन्ट ओनली मोनोक्रोमेटिक एक्सरे, सो दैट्स वाई आई हैव पुट द फिल्टर हियर। अगर मुझे चाहिए 1.5 एमस्ट्रांग वाली एक्सरे
तो ये जो फिल्टर है वो 1.5 एंगस्ट्रॉम का लगाऊंगा, तो 1.5 एंगस्ट्रॉम वाले एक्सरे पास होगी, बाकी को ब्लॉक कर देगा. सो आई हैव पुट द फिल्टर इन फ्रंट ऑफ कंटिन्यूअस एक्सरे एंड दिस फिल्टर इज रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट दिस कंटिन्यूअस एक्सरे इंटू मोनोक्रोमेटिक. तो मोनोक्रोमेटिक एक्सरे कन्वर्ट हो गए, फिल्टर से जो पास होगी ये होगी मोनोक्रोमेटिक एक्सरे. देन यूजिंग दैट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे देन वी आर अलाउड टू इंसिडेंट दिस मोनोक्रोमेटिक एक्सरे ऑन क्रिस्टल. सो सीधा क्रिस्टल के, ये सिलेंडर पे यहाँ पे स्मॉल होल है, यहाँ से एक्सरे निकल रही है और सिलेंडर और ये क्रिस्टल पे पड़ रही है. ओके, तो पड़ गई क्रिस्टल पे एक्सरेज. सो ये एक्सरे कंटिन्यूअस थी, फिल्टर लगाया, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बन गई. अब ये मोनोक्रोमेटिक एक्सरे एक ही वेवलेंथ की एक्सरे है, इसका मतलब मैंने वेवलेंथ को फिक्स कर दिया. मोनोक्रोमेटिक एक्सरे बन गई मतलब वेवलेंथ फिक्स हो गई, क्योंकि मोनोक्रोमेटिक एक्सरे की वेवलेंथ एक ही होती है, फिक्स वेवलेंथ होती है. तो ये फिक्स वेवलेंथ वाली एक्सरे दैट इज मोनोक्रोमेटिक एक्सरे आई एम अलाउविंग टू इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल. तो ये क्रिस्टल के ऊपर पड़ी. अब क्या हो रहा है, अभी देखो, इसको इमेजिन करो, ये मैकेनिज्म बता रहा हूँ. ये है क्रिस्टल, मोनोक्रोमेटिक एक्सरे इस क्रिस्टल के ऊपर पड़ गई. अब क्या हो रहा है कि क्रिस्टल रोटेट भी हो रहा है. अब सपोज क्रिस्टल, क्रिस्टल की इस फेस पे मोनोक्रोमेटिक एक्सरे पड़ी, तो यहाँ पे क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स होते हैं, क्रिस्टल के अंदर बहुत आइटम्स रहेंगे और वो आइटम्स एक पर्टिकुलर ओरिएंटेशन में रहेंगे, मतलब प्लेन्स रहेंगे. तो क्रिस्टल में बहुत सारे प्लेन, कोई प्लेन ऐसा है, कोई प्लेन ऐसा है, कोई प्लेन ऐसा है, टेढ़ा है कोई प्लेन, कोई प्लेन सीधे है, इंक्लाइंड है, ओके, कोई प्लेन पैरेलल है, कोई इंक्लाइंड है, कोई डिक्लाइंड है, कोई इस तरीके से किसी कोई एंगल बना के है, कोई नीचे का एंगल बना के है, कोई ऑपोजिट में है. तो बहुत सारे प्लेन्स रहेंगे क्रिस्टल के अंदर. ओके, तो ये क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स हैं, तो एक्सरे क्या करेंगी, उन प्लेन के ऊपर इंसिडेंट करेगी. अब वो प्लेन के ऊपर, प्लेन में क्या है, एटम्स है, ओके, तो वो एटम्स के कारण डिफ्रैक्शन होगा. अब डिफ्रैक्शन कब होगा, जब एक्सरे प्लेन के ऊपर इंसिडेंट करेगी. क्रिस्टल के अंदर बहुत सारे प्लेन्स है, प्लेन्स के ऊपर जैसे इंसिडेंट करेंगी, अगर ब्रैग्स लॉ फॉलो होगा 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा, तभी डिफ्रैक्शन होगा. प्लेन होंगे, क्रिस्टल प्लेन्स होंगे, प्लेन्स होंगे तभी ब्रैग्स लॉ फॉलो होगा. अगर प्लेन्स, अगर मान लो कि इस जैसे ये एक्सरे पड़ रही है और यहाँ पे प्लेन ही नहीं है, मिसिंग है प्लेन, तो डिफ्रैक्शन होगा क्या, नहीं. डिफ्रैक्शन का कंडीशन ही क्या बोलता है, इंटरप्लेनर स्पेसिंग शुड बी इक्वल टू द ऑर्डर ऑफ वेवलेंथ, वेवलेंथ के इक्वेलेंट होनी चाहिए. इट मींस दैट 2d sin थीटा इज इक्वल टू एन लैम्डा. तो इसके ऊपर अगर सामने, अगर एक्सरे के पाथ में प्लेन आया तो डिफ्रैक्शन होगा, एक्सरे के पाथ में प्लेन्स नहीं आया तो डिफ्रैक्शन नहीं होगा. ओके, तो प्लेन्स कौन कौन से आएंगे, कोई प्लेन ऐसा है ऐसा आएगा, कोई प्लेन इंक्लाइंड है ऐसे आएंगे, कोई प्लेन इस डायरेक्शन में रोटेट है तो वैसे आएंगे पाथ में. तो डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन एक्सरे के पाथ में आने वाले हैं, ठीक है. तो डिफरेंट काइंड ऑफ एक्सरे के पाथ में डिफरेंट काइंड ऑफ प्लेन्स आए तो क्या होगा, जो एक्सरे का डिफ्रैक्शन होगा वो भी अलग अलग डायरेक्शन में होगा, अलग अलग प्लेन में होगा, समझ में आया. तो मान लो कुछ प्लेन ऐसे सीधे, तो एक्सरे डिफ्रैक्ट हो रही है एक पर्टिकुलर एंगल से, कोई प्लेन ऐसे टेढ़े है तो एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी कोई और एंगल से. ओके, इसका मतलब थीटा चेंज कर रहे हो, तो पहले अगर सीधा प्लेन है तो एक थीटा हो गया, एक टेढ़ा प्लेन है ऐसा इंक्लाइंड वाला, तो उस पर एक्सरे पड़ेगी तो एंगल अलग होगा. इसका मतलब एंगल चेंज हो रहा है और क्रिस्टल को रोटेट भी कर रहा हूँ, तो क्रिस्टल को रोटेट करने से ये जो एक्सरे है अलग अलग प्लेन्स पे पड़ रही है, डिफरेंट डिफरेंट प्लेन्स पे पड़ रही है, तो थीटा जो है ग्लांसिंग एंगल भी अलग अलग आ रहा है. इसका मतलब थीटा चेंज हो रहा है, वेवलेंथ फिक्स है. ओके, तो सपोज करो ये जो रोटेशन एक्सिस है ये दिख रहा है, ये रोटेशन एक्सिस है. सपोज इस रोटेशन एक्सिस के पैरेलल प्लेन्स है, यहाँ पे ये क्रिस्टल है और ये रोटेशन एक्सिस है, और प्लेन्स मतलब ऐसे ही है, एकदम पैरेलल है रोटेशन एक्सिस से. ओके, तो पैरेलल है, जितने भी प्लेन्स पैरेलल है रोटेशन एक्सिस से क्रिस्टल के अंदर, तो एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी एक पर्टिकुलर प्लेन में. तो देखो कैसे, ये वाले जैसे एक्सरे पड़ी इस क्रिस्टल के ऊपर, ये डिफ्रैक्ट हो गई है ये डायरेक्शन में, और ये एक प्लेन बना लिया, ये प्लेन है, ये जो सर्कल है ये एक प्लेन है, एक प्लेन बना लिया, और इस प्लेन के अंदर ये जो येलो रेज दिख रही है दैट इज डिफ्रैक्टेड रेज. अब ये जो येलो रेज है ये किस कारण डिफ्रैक्शन आया है, यहाँ पर जो भी प्लेन इस रोटेशन एक्सिस के पैरेलल है, सीधे है एकदम, क्रिस्टल के अंदर प्लेन्स है अलग अलग डायरेक्शन में ओरिएंटेड है प्लेन, अगर इस क्रिस्टल के अंदर ऐसे प्लेन जो एकदम सीधे हैं इस रोटेशन एक्सिस के एकदम पैरेलल है, तो उससे जितने भी एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी वो एक पर्टिकुलर प्लेन में डिफ्रैक्ट होगी. तो
तो ये है एक हॉरिजॉन्टल प्लेन, इसमें डिफ्रैक्ट हुई, तो ये जो येलो येलो और या एरोज हैं दैट आर द डिफ्रैक्शन एक्सरे डिफ्रैक्टेड एक्सरे एंड दीज एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड बाय द प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस। तो जितने भी प्लेन्स क्रिस्टल के अंदर पैरेलल है रोटेशन एक्सिस के, उसका डिफ्रैक्शन इसी प्लेन में होगा, सिंपल इसी प्लेन में होगा। तो जितने भी येलो रेज दिख रहे हैं दीज एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस। अब ये तो हो गया पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस, जितने भी प्लेन्स पैरेलल थे उसका डिफ्रैक्शन इस प्लेन में हो गया, ये सर्कल में हो गया, ये येलो रेस के फॉर्म में, येलो डिफ्रैक्टेड रेस। ओके, अब जो प्लेन्स पैरेलल नहीं है उनका क्या होगा? अगर मान लो कुछ प्लेन कोई प्लेन ऐसे सामने की तरफ इंक्लाइंड है और कोई प्लेन पीछे की तरफ इंक्लाइंड है, मतलब कोई एंगल बना रहा है रोटेशन एक्सिस के साथ, पैरेलल नहीं है। जो प्लेन रोटेशन एक्सिस के साथ पैरेलल थे, जो क्रिस्टल के अंदर के प्लेन रोटेशन एक्सिस के साथ पैरेलल थे उससे एक्सरे डिफ्रैक्ट हो गई इस प्लेन में। अब जो पैरेलल नहीं है उनके साथ क्या होगा? कोई क्रिस्टल के अंदर के कोई प्लेन ऐसे है सपोज, या कोई प्लेन इस तरफ से झुके हुए है, इस तरफ से इंक्लाइंड है या इस तरफ से डिक्लाइंड है, तो क्या होगा? जो प्लेन पैरेलल नहीं है रोटेशन एक्सिस के, कोई एंगल बना रहे रोटेशन एक्सिस के साथ, तो वो प्लेन्स के द्वारा जो डिफ्रैक्शन होगा, वो प्लेन से जो डिफ्रैक्शन होगा एक्सरे का, वो या तो ऊपर हो सकता है या फिर नीचे हो सकता है, मतलब इस सर्कल के ऊपर हो सकता है या इस सर्कल के नीचे हो सकता है। तो कैसे? देखो ये पिक्चर बता रहा हूं इस तरीके से, जो प्लेन्स पैरेलल नहीं है उनका डिफ्रैक्शन ऐसे ऊपर की तरफ होगा, तो ये ऊपर एक प्लेन बनाएंगे इस तरीके से, और जो पैरेलल नहीं है उनका नीचे भी हो सकता है, इस तरीके से नीचे डिफ्रैक्शन होगा। ओके, जो बीच का प्लेन है, दिस एक्सरेज आर डिफ्रैक्टेड बाय द प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस, बट जो प्लेन्स पैरेलल नहीं है उनका एक्सरे कैसे डिफ्रैक्ट होगी? ऊपर की तरफ, तो ये ऊपर एक प्लेन बनेगा, या फिर नीचे की तरफ, तो नीचे एक प्लेन बनेगा। तो यहां पे कितने प्लेन बने? तीन प्लेन बने, 1 2 3। तो जो प्लेन जो सेट ऑफ पैरेलल प्लेन्स पैरेलल था रोटेशन एक्सिस के, तो यहां पे एक डिफ्रैक्टेड प्लेन बना, ये डिफ्रैक्टेड प्लेन है। जितने भी ये सर्कल मैंने ड्रॉ किया दीज आर डिफ्रैक्टेड प्लेन। डिफ्रैक्टेड प्लेन क्यों बोलेंगे? बिकॉज इट कंसिस्ट ऑफ डिफ्रैक्टेड एक्सरेज। तो ये जो बीच वाला जो सर्कल है, बीच वाला जो डिफ्रैक्टेड प्लेन है, इसके अंदर जो भी एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो रही है दे आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द प्लेन्स किस से? क्रिस्टल प्लेन्स, फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस। और जो क्रिस्टल प्लेन्स पैरेलल नहीं है रोटेशन एक्सिस के, वो डिफ्रैक्ट होगी ऊपर की तरफ या फिर नीचे की तरफ। तो ये दो डिफ्रैक्टेड प्लेन बनाएंगे, ऊपर और नीचे। ओके, जो पैरेलल है वो बीच में डिफ्रैक्टेड प्लेन बनाएगा, जो पैरेलल नहीं है, जो इंक्लाइंड है, वो ऊपर और नीचे डिफ्रैक्टेड प्लेन बनाएंगे। तो इस तरीके से तीन डिफ्रैक्टेड प्लेन्स बने, एक बीच में, एक ऊपर, एक नीचे। और बीच का डिफ्रैक्टेड प्लेन में जो डिफ्रैक्टेड एक्सरेज है दे आर डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन्स विच आर पैरेलल टू द रोटेशन एक्सिस। क्रिस्टल के अंदर देखो, इमेजिन करो, ये कंफ्यूजन वाला कॉन्सेप्ट नहीं है, इमेजिन करो क्रिस्टल के अंदर प्लेन है, क्रिस्टल के अंदर प्लेन है, तो कुछ प्लेन रोटेशन एक्सिस के पैरेलल है, बहुत सारे प्लेन्स जो पैरेलल है, उससे जब एक्सरे डिफ्रैक्ट होगी तो इस तरीके का डिफ्रैक्टेड प्लेन बनाएगी। जो पैरेलल नहीं है, जो झुके हुए प्लेन है ऊपर की तरफ या नीचे की तरफ, तब एक्सरे जब पड़ेगी तो डिफ्रैक्टेड प्लेन बनेगा ऊपर या फिर नीचे। तो इस तरीके से तीन डिफ्रैक्टेड प्लेन्स बने यहां पे, एक बीच में, एक ऊपर और एक नीचे। जब तुम इन तीनों डिफ्रैक्टेड प्लेन के बीच का डिस्टेंस निकालोगे, जैसे ये ऊपर वाला प्लेन और मिडल वाले प्लेन, ये जो चलता है ऊपर वाला सर्कल और ये मिडल वाला सर्कल, इन दोनों के बीच का जब डिस्टेंस निकालोगे तो तुमको पता चलेगा डी। डी मीन्स इंटरप्लेनर स्पेसिंग। ओके, या फिर नीचे वाले प्लेन का और बीच वाले प्लेन का डिफरेंस निकालोगे, डी लेंथ निकालोगे, इन दोनों के बीच की डिफरेंस कितना है, तो पता चलेगा तुम्हें डी। तुम्हें डी अगर पता चल गया, तो डी मतलब क्या होता है? इंटरप्लेनर स्पेसिंग। अगर डी अगर पता चल गया तो देन यू कैन इजीली कैलकुलेट द एबीसी। एबीसी मींस यूनिट सेल डायमेंशन, क्रिस्टलोग्राफिक पैरामीटर्स, लैटिस पैरामीटर्स, एबीसी। तो तुमको अगर डी पता चल गया तो तुमको एबीसी पता चल गया, अगर एबीसी पता चल गया तो यूनिट सेल का डायमेंशन पता चल गया। यूनिट सेल में क्या होता है? ए एक्सिस, बी एक्सिस और सी एक्सिस।
ए बी सी पता चल गया तो यूनिट सेल का डायमेंशन पता चल गया, यूनिट सेल का डायमेंशन पता चल गया तो यूनिट सेल का साइज पता चल गया, यूनिट सेल कौन सी है वो पता चल गई, यूनिट सेल का शेप पता चल गया। तो इस तरीके से ये यूनिट सेल का डायमेंशन पता करने में यूज होती है दिस मेथड, दिस इज रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड। सो डिफरेंट डिफरेंट डायरेक्शन में जो भी एक्सरेज डिफ्रैक्ट हो गए वो इस तरीके से डिफ्रैक्टेड प्लेन बनाएंगे, और जितने भी प्लेन बनेंगे उसके बीच का अगर डिस्टेंस निकालोगे तो डी की वैल्यू पता चलेगी। डी की वैल्यू पता चल गई, थीटा तुमको पता है, डी की वैल्यू पता है, थीटा तुमको पता है, लैम्डा भी पता है, तो ये सारे पैरामीटर्स पता है, तो तुम ए बी सी निकाल सकते हो। ए बी सी मीन्स यूनिट सेल डायमेंशन, क्योंकि ए और डी का एक पर्टिकुलर फॉर्मूला होता है, तो यूनिट सेल डायमेंशन अगर पता चल गए तुम्हें तो तुम यूनिट सेल का साइज पता कर सकते हो। मतलब जो सॉलिड मटेरियल, यहाँ जो सिंगल क्रिस्टल रखा, उस सिंगल क्रिस्टल में कौन सी यूनिट सेल है, ओके, कौन सा उसका स्ट्रक्चर है, ये पता कर सकते हो तुम रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड से। ओके, एक शॉर्ट में डिस्क्रिप्शन बता रहा हूँ, एक शॉर्ट में अभी फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक प्लेन है, यहाँ पे सिंगल क्रिस्टल रखा हुआ है, फिर से एक बार दिखा रहा हूँ, ठीक है, एक बार रिपीट कर रहा हूँ, दिस इज द सिलेंड्रिकल फोटोग्राफिक फिल्म, ओके, ऑन विच वी हैव टू रिकॉर्ड द डिफ्रैक्शन पैटर्न, ओके, दिस इज फोटोग्राफिक फिल्म, दिस इज द स्टैंड, दिस इज द सिंगल क्रिस्टल एंड दिस इज द रोटर, रोटर इज यूज टू रोटेट द सिंगल क्रिस्टल, ओके, देन वी हैव टू इंसिडेंट द एक्सरेज ऑन दिस सिंगल क्रिस्टल, दीज आर द एक्सरेज कमिंग फ्रॉम एक्सरे ट्यूब, बट दीज एक्सरेज आर कंसिस्ट ऑफ मेनी वेवलेंथ्स, वी हैव टू मेक दिस एक्सरे एज अ मोनोक्रोमेटिक बीम, सो वी विल यूज फिल्टर एंड आफ्टर पासिंग थ्रू द क्रिस्टल फिल्टर द एक्सरे बिकम मोनोक्रोमेटिक, देन वी आर अलाउिंग दैट मोनोक्रोमेटिक एक्सरे टू इंसिडेंट ऑन द क्रिस्टल, ओके, देन द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेन्स, सम प्लेन्स आर पैरल टू द रोटेशन एक्सिस, दिस इज रोटेशन एक्सिस, एंड सम प्लेन्स आर इंक्लाइन टू द रोटेशनल एक्सिस, द प्लेन्स विच आर पैरल टू द रोटेशन एक्सिस दे विल प्रोड्यूस अ डिफ्रैक्शन पैटर्न इन दिस प्लेन, सो दिस येल्लो आर द डिफ्रैक्टेड रेज डिफ्रैक्टेड फ्रॉम द क्रिस्टल प्लेन्स विच आर पैरल टू द रोटेशन एक्सिस, बट द क्रिस्टल कंसिस्ट ऑफ सेवरल प्लेन्स, सम ऑफ द प्लेन्स आर पैरल टू द रोटेशन एक्सिस बट सम ऑफ द प्लेन्स आर नॉट पैरल, दे आर इंक्लाइन टू द रोटेशन एक्सिस, सो द प्लेन्स विच आर इंक्लाइन टू द रोटेशन एक्सिस दे विल प्रोड्यूस द डिफ्रैक्शन पैटर्न अबव दिस डिफ्रैक्टेड प्लेन और बिलो दिस डिफ्रैक्टेड प्लेन, सो कुछ ने अबव डिफ्रैक्टेड प्लेन बनाया, कुछ ने बिलो डिफ्रैक्टेड प्लेन बनाया, इफ यू कैलकुलेट द डिस्टेंस बिटवीन दीज टू प्लेन्स then you can determine the interplanar spacing d, if you determine the interplanar spacing d then you can easily calculate the unit cell dimension that is a b and c, because d is directly related to the a b and c, after knowing the a b c you can easily determine which type of unit cell is this and what is the dimension of unit cell, so the important advantage of rotating crystal method, you can easily determine the crystal structure and you can easily determine the size of unit cell present in the particular single crystal. So crystal structure kaun sa hai, whether it is orthorhombic, whether this is cubic, monoclinic, okay, tetragonal, trigonal, rhombohedral, koi bhi crystal structure kaun sa bhi ho determine kar sakte ho, kyunki wo crystal structure kis pe depend karta hai, abc ke value pe, agar abc ki value tumhe pata hai, if cubic agar hai to a equal to b equal to c rahega, टेट्रागोनल अगर है तो ए इक्वल टू बी बट नॉट इक्वल टू सी, तब जब तुम्हें ए बी सी वैल्यूज पता चल रही है यहां से, ओके, जब तुम्हें ए बी सी वैल्यूज पता चल रही है तो तुम क्रिस्टल स्ट्रक्चर इजीली प्रेडिक्ट कर सकते हो, अगर ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी है तो तुम बोलोगे कि ये क्यूबिक है, अगर ए इक्वल टू बी इज नॉट इक्वल टू सी है तो तुम बोलोगे टेट्रागोनल है, तो इजीली तुम क्रिस्टल स्ट्रक्चर को डिटरमाइन कर सकते हो क्योंकि तुम ए बी सी वैल्यूज डिटरमाइन कर सकते हो, तो ए बी सी वैल्यू डिटरमाइन किया तो साइज पता चलेगा यूनिट सेल का, साइज मतलब क्या है, A इंटू बी इंटू सी क्या हो गया, वॉल्यूम, अगर A इंटू बी इंटू सी ज्यादा है तो वॉल्यूम ज्यादा है, A इंटू बी इंटू सी कम है तो वॉल्यूम कम है, तो इससे तुम साइज ऑफ यूनिट सेल भी पता कर सकते हो, सो दीज आर द एडवांटेज ऑफ रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड, सो इस तरीके से मैंने रोटेटिंग क्रिस्टल मेथड बताया, उसका कंस्ट्रक्शन बताया, उसका वर्किंग बताया, मैकेनिज्म बताया किस तरीके से होता है, और ये हमारी सेकेंड डिफ्रैक्शन मेथड थी, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट मेथड, रोटेटिंग क्रिस्टल method. If you have any question related to it, you can ask me directly. So this is very simple method.